जो है ये है आपका वेनिस और इसकी जो लुक है कुछ इस तरीके से आती है। सो आप अगर क्लोजअप देखेंगे तो ये थोड़ा सा डल लुक के अंदर है, इसके अंदर कपड़े के अंदर शाइन नहीं होती है, बट ये एक लाइक एग्जॉटिक लुक देता है, बहुत प्रीमियम लुक जो होती है ना वो चीज़ वाली फील आती है इसके अंदर। Hey everyone, welcome back to the channel guys, you're watching Born Creator. This is awesome, दोस्तों एक सीरीज है गाइज। जब मैंने अभी पीछे ना रेट्स के सीट कवर्स लगवाए थे और कुछ इस तरीके का कलर था गाड़ी के सीट कवर का, तो मैंने उसकी जब वीडियो डाली थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए कि यार भैया आपने अपनी गाड़ी में सीट कवर चेंज कराया बट आपने अपना स्टेयरिंग कवर चेंज नहीं कराया, आपने पिलर्स नहीं कराए और आपने ये जो अपनी गाड़ी का पूरा दरवाज़ों पर लगता है वो सब नहीं कराया। जब आप लोगों का मैसेज आया तो कुछ दिन तो निकल गए यार उस वीडियो को दिए हुए, बट मन करा कि यार चल आप लोग सारे बोल रहे हैं तो क्यों ना चेंज कराया जाए। सो गाइज अभी मैं चेंज कराने आया हूँ अपने ये वाले सारे डोर पैनल्स, तो चारों डोर पैनल्स पे मेरे जो हैं वो नया कपड़ा लग रहा है उसी कलर के अंदर, और जो हमारा स्टीयरिंग कवर है वो पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। सो कहाँ पर आया हूँ मैं वो आपको दिखा देता हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पर मनीष कार सीट कवर एसेसरीज के ऊपर जो कि है करोल बाग में। यूजुअली मेरा और मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को भी यहाँ पे रेकमेंड करा, काफ़ी अच्छा काम है करते हैं, काफ़ी रीजनेबल रेटों पे काम करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने कोई नापा वगैरह नहीं लगवाया था इसके अंदर, कोई स्टैलियन नहीं लगवाया था, नॉर्मल कपड़ा लगवाया था। ऑलमोस्ट मेरे को 1800-1900 रुपये का सेमी बकेट सीट कवर मिला था ये, जिसमें मेरा यहाँ से बकेट हुआ था। अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊँ सो सिर्फ और सिर्फ इस जगह से मैंने बकेट कराया था। बाकी आप फिटिंग देखेंगे तो आपको यार गाड़ी की फ़िटिंग का तो पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से गाड़ी की लुक लग रही है, तो बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही थी। तो यार वो जो दरवाज़े हैं ना वो ग्रे ग्रे काफ़ी मतलब डल से लग रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा था। सो मैंने यही चीज़ सोची कि यार इसको भी कवर करते हैं, इसको भी कवर करते हैं और हमारा जो स्टीयरिंग है उसको भी रेड करते हैं ताकि एक सिमेट्री बन जाए और जो इसकी लुक है वो बन जाए। इसकी मुझे कॉस्टिंग आई थी ऑलमोस्ट 1800-1900 रुपये की जो मैंने चेंज कराए थे। बाकी अगर आप फुल बकेट के अंदर जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कपड़ा है कोई नापा वगैरह नहीं था, अगर आप नापा स्टैलियन वगैरह में जाते हैं तो उसके प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टैलियन मैं अपने लिए सोच रहा हूँ जो मैंने अभी क्विड खरीदी है उसके अंदर लगाने का। सो उसका जो मैंने डिज़ाइन चूज़ करा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चल के अंदर कि कौन सा मैंने डिज़ाइन चूज़ करा है, और ऑलमोस्ट एक आधे दो दिन के अंदर हम उसका भी सीट कवर लगवाएंगे, पूरा इंटीरियर कराएंगे। पर मेरा मन था यार उसके डोर पैनल्स वगैरह पे कराने का, बट यार उसके डोर पैनल्स वगैरह में कोई और ऑप्शन नहीं है और जो ऊपर से पेस्टिंग होती है तो उस चीज़ का मज़ा नहीं आता। अब जैसे ये है, इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर ये पूरा कपड़ा लगा हुआ है, इसी कपड़े को उतार के सारा का सारा दोबारा लगेगा, ये खांचा बना हुआ है। उस गाड़ी के अंदर ऐसा कोई खांचा नहीं है, उसके अंदर ऊपर से गम लगा के आपको चिपका दिया जाएगा, तो उसके अंदर प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है कि ज़्यादा हीट होने की वजह से जो गम है वो सारा का सारा छोड़ देता है, तो वो मेन इशू रहता है। तो यार मैं उस तरीके से काम नहीं कराना चाहता, सो दैट्स व्हाई इस गाड़ी का अभी हम करा रहे हैं। तो पहले मैं आपको अंदर चलता हूँ और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्विड के लिए क्या पसंद करा। गाइस कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मैंने सोचा है अपनी क्विड के लिए, बट जो इसके अंदर ये जो बर्फ़ी वाला डिज़ाइन है ये मैं सोच रहा हूँ छोटा कराने का, मतलब ऑलमोस्ट आधा आधा इसका आधा हो जाएगा, ज़्यादा छोटी छोटी बर्फियाँ रहेगी। और क्विड के अंदर द प्रॉब्लम इसके उसका जो ऊपर का हेडरेस्ट है वो उसके साथ ही है, तो यहाँ पे आके मेरे को ऊपर पूरा प्लेन ही चाहिए होगा वरना वो काफ़ी अजीब लगेगा। तो इसके अंदर अंकल ने अभी मुझे सजेस्ट करा है कि आप टैन कलर में जाओ, इसी कलर में जाओ और कॉम्बिनेशन लो आप टैन और इस तरीके से ब्लैक का, तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा नॉर्मल से। क्या होता है यूजुअली जब आप सीट को देखते हैं तो फ्रंट और बैक से यूजुअली सीट सेम लगती हैं, तो सेम कलर का कपड़ा लगता है, बट जब आप ऐसा सा कुछ करते हैं तो इसके अंदर आपका एक इंटीरियर का लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिज़ाइनर हो जाता है, थोड़ा सा फंकी हो जाता है और इट गिव्स योर कार अ बेटर लुक। सो अंकल अगर हम इसको स्टैलियन में जैसे क्विड का ले रहे हैं तो इसकी कॉस्टिंग मोटी मोटी क्या रेट आता भैया? लमसम 3500 का। 3500 बकेट सीट कवर्स का। और अगर हम और ऊपर जाएं, इससे ऊपर और ऊपर कपड़े पे जाते हैं, वेनिस आता है 4000 रुपए का। ओके, तो ज्यादा फर्क नहीं है मतलब वेनिस और उसके अंदर, तो वैसे कपड़े के अंदर मेजर क्या फर्क आएगा वेनिस और उसके अंदर दोनों में? वेनिस जो होता है वो थोड़ा डल लुक में होता है। अच्छा, जो स्टैलियन है वो थोड़ा सा शाइनिंग होता है। ओके, उसमें धूल मिट्टी आप जो कैच करेगा अपना जो है वेनिस में। ओके, स्टैलियन में धूल मिट्टी। पर पैसे फालतू दे के इतना कुछ ऐसा क्यों है? थोड़ा लेदर ग्रेन में आ जाता है क्वालिटी से थोड़ा। अच्छा, उसके अंदर थोड़े रेशे आते हैं, लाइनें आती हैं। देखिए सो गाइस ये जो है ये जैसे स्टैलियन है तो अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा प्लेन है, बट अगर मैं आपको थोड़ा वेनिस का दिखाऊं,
सो यहाँ पे है हमारा ये वेनिस, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे जैसे ये अगर आप लाइंस देखेंगे तो ये पूरी की पूरी ग्रेन्स के साथ आ रही हैं। जैसे मैं आपको अलग अलग सैंपल दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये पूरा आप देखिए पूरा ग्रेन्स के साथ है, और कुछ इस तरीके से ये देखेंगे आप तो ये भी पूरा ग्रेन्स के साथ आ रहा है। तो ये कपड़ा कुछ इस तरीके का है, और जो हमारा स्टैलियन होता है ये हमारा है स्टैलियन लेदर, और ये अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इतनी ग्रेन्स नहीं दिखेंगी ज़्यादा, ये प्लेन प्लेन के अंदर ही होता है। सो मेजर ये फ़र्क आता है, बाकी एक बार आपको बना हुआ भी दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली मैं तीन डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। ये जो है ये है आपका वेनिस, और इसकी जो लुक है कुछ इस तरीके से आती है। सो आप अगर क्लोजअप देखेंगे तो ये थोड़ा सा डल लुक के अंदर है, इसके अंदर कपड़े के अंदर शाइन नहीं होती है, बट ये एक एग्जॉटिक लुक देता है, बहुत प्रीमियम लुक जो होती है ना वो चीज़ वाली फील आती है इसके अंदर। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लोजअप भी दिखा देता हूँ। एंड अगर हम इसके बाद आते हैं स्टैलियन के ऊपर, तो इसमें स्टैलियन में ये साफ़ नहीं है इस टाइम, बट अगर आप यहाँ देखेंगे लाइट पड़ रही है तो इसके अंदर थोड़ा सा शाइन आ रही है। आप इवन ब्लैक को भी देखेंगे तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी शाइन दिखेगी। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे तो ब्लैक में आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा कि इस वाले के अंदर थोड़ी शाइन आ रही है और इस वाले का जो है ये थोड़ा सा डल पड़ता है, तो मेजर ये डिफरेंस है। और इसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया वो है आपका नापा वाला कपड़ा, और इस तरीके की लुक आती है नापा की। सो भैया अगर हम यही चीज़ नापा के अंदर बना रहे हैं, जैसे आपने स्टैलियन का बताया कि 3500, वेनिस का बताया ऑलमोस्ट 4000 रुपये, और अगर हम यही चीज़ नापा में ले लेते हैं ओके, तो स्टैलियन और नापा मोटा मोटा सेम ही है ओके ठीक है। सो गाइस नापा और स्टैलियन मोटा मोटा सेम ही रेट का है, और लुक मैंने आपको तीनों की दिखाई दी है, तीनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, तीनों ही बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। तो अब मेरी गाड़ी का काम होने लगा है, दरवाजे खुल गए हैं, सो लेट्स सी कैसा होता है और क्या क्या करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो डोर पैनल है वो पूरे के पूरे इधर वाला खुल गया है, एंड जो हमारा पीछे वाला पैनल है वो भी पूरा का पूरा खुल गया, और अंदर से दरवाज़ा कुछ इस तरीके से लुक आती है इसकी। गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इस तरीके से लॉक जो होते हैं इसके पूरे के पूरे, ये यहाँ पे इसको मेल्ट कर दिया जाता है ताकि ये जो है सिस्टम पूरा का पूरा ऐसे टाइट हो जाए और ये निकले ना। सो इसको उतारने के लिए आपको इनको काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और वो भैया यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरीके से काट रहे हैं वो आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से भैया पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसको काट रहे हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे ये सब कट चुके हैं, और ये जो हमारा गत्ता है पूरा बाहर आ जाएगा और फिर ये इस तरीके से लगेगा। सो गत्ते की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गत्ता निकल के कुछ आ रहा है इस तरीके से, एंड इसको वापस जब हम फिट करते हैं तो यहाँ पे हम वॉशल और पेचों के साथ फिर इसको टाइट कर देते हैं, और ये वापस फिर तरीके से सारा का सारा फिट हो जाता है। जो हम कपड़ा यूजुअली चिपकाते हैं उसको चिपकाने के लिए बेसिकली फेविकॉल की जो SR998 आती है, जो मैं अपनी टाइल्स के पीछे वेलक्रो लगाने के लिए भी यूज़ कर रहा था गाइस, वो यूज़ होता है। और इसके अंदर हीटेक्स यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जब उतारने का टाइम आता है अगर आपका मूड बन रहा है कुछ चेंज करने का कुछ करने का, तो हीटेक्स थोड़ा गम ज़्यादा टाइट हो जाती है तो उतारते टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये वाले में क्या है, अगर आपका ऑलमोस्ट एक साल के अंदर या 6-8 महीने के अंदर आपका मन करा कि यार हम कपड़ा चेंज कर लें या हम सीट कवर्स चेंज कर लें, तो ये आसानी से आराम से हो जाती है, बट इसकी पकड़ भी बहुत अच्छी है और ये फिनिशिंग बहुत अच्छी देता है। तो अभी मैं आपको इसकी फिनिशिंग का एक नज़ारा दिखाता हूँ। कुछ हद तक का गाइस भैया ने यहाँ पे आपका जो स्टेयरिंग कवर है उसको लगा दिया है, और आप फिनिशिंग यहाँ पे देख ही सकते हैं, कहीं से कुछ उठा हुआ नहीं है, प्रॉपर तरीके से बैठी हुई है, और इसकी जो लुक आ रही है वो बहुत ही अमेजिंग आ रही है। सो अभी भैया इसको प्रॉपर तरीके से पूरा फिट करेंगे तब मैं एक बार आपको लास्ट में दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पे फिनिशिंग देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हमने ये वाले दोनों चारों दरवाजे जो हैं उनको कवर करना था, सो प्रॉपर फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं पे कोई बबल नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से लगा, एंड आप ये वाला दरवाज़ा भी देख सकते हैं बहुत ही क्लीन लगा है और इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। प्लस अगर आप यहाँ पर स्टेयरिंग कवर देखेंगे तो स्टेयरिंग कवर बिल्कुल सेट है, पहले मेरा स्टेयरिंग कवर थोड़ा सा मोटा लगा हुआ था और ग्रिप में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, बट अब इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी हो गई है। सो यहाँ से प्रॉपर पकड़ आ गई, एंड यहाँ से आप इसकी पूरी फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन बहुत ही साफ लगा हुआ है। सो गाइस अगर आप ऐसा सा कुछ कराना चाहते हैं देन मनीष कार
प्लेस, आप करोल बाग जा सकते हैं और वहाँ से उनसे करा सकते हैं। ऐसा सा कुछ पूरी गाड़ी का मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 3,000 से कम के अंदर अंदर हो जाएगा, इससे भी कम नहीं होगा, ऑलमोस्ट 2,500 के करीब हो जाएगा। बाकी अभी क्विड के सीट कवर्स लगने हैं, स्टैलियन कपड़े के अंदर लगने हैं और बकेट सीट कवर्स लगने हैं। सो कैसे लगते हैं वो फिर उसकी वीडियो का वेट करिए, तब आपको एक्चुअल में क्वालिटी का पता चल जाएगा। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, इस बार फ्रॉम आवर साइड ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया खुशी देखा है, आपको भी खुशी महसूस होगी। की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.